कोई ज्यादा शोर करेगा तो सेवादारी या तो पड़ोसी उसको बाहर ले जाएंगे। बड़े बड़े उद्योगों और बड़ी बड़ी उपलब्धियों से भी दोषण परमात्मा में शांत रहना अनंत गुणा हितकारी है। उद्योगों की वस्तुएं तो तुम्हें आसक्ति भोग और खिंचाव देकर घुमाएगी, लेकिन परमात्मा में शांत रहने का स्वाद तो मरने के बाद भी तुम्हें परमात्मा की शांत रस में ले जाएगा, ज्ञान स्वभाव में ले जाएगा। जो लोग बोलते हैं मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो दुखद घटना तो बाहर होती है, लेकिन अपने में दुखी और परेशानी की भावना अंदर होती है। दुखी शरीर या परेशान मन तो मृत्यु आती है, मर जाता है, लेकिन मैं दुखी हूँ स्व में घुस जाता है। मरने के बाद दुखद योनियों में जाना पड़ता है, इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं दुख को जानता हूँ, परेशानी को जानता हूँ। दुख परेशानी आती है जाती है, मैं नित्य हूँ, प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। दुख परेशानियाँ अनित्य हैं, अनित्य वस्तुओं को अपने में थोप कर अंधकार में भविष्य क्यों बनाना, फिर कंटक की योनि में क्यों जाना। दुखद कंटक, ये सड़क के किनारे जंगली बबूल कितना दुखद होता है। मैं दुखी हूँ सोचने वाले ऐसी योनियों को पाते होंगे शायद। मैं भगवान का हूँ, आनंद स्वरूप का हूँ। दुख मन में आता है, बीमारी शरीर में आती, मैं इसको जानता हूँ, ये बदलती है। मैं अबदल आत्मा का हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। ओम 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 ओम। जो जरा जरा बात में दुखी हूँ और रोते रहते ना, उनका दुख मिटना कठिन हो जाता है, लेकिन धैर्य धार करके हंसते रहते, दुख भी सपना सुख भी सपना, उसको जानने वाला मेरा परमात्मा अपना, वो सचमुच में संसार में सफल हो जाते। मैं सफल नहीं होता हूँ, सफलता की चाह वाले विफल होते हैं, लेकिन भगवान की चाह वालों के चरणों में सफलता अपने आप आती। जो संसार में ज्यादा भोगी और सफल होना चाहते हैं, गुरु के द्वार पर भी भटकते रहते, बाबा जी मैं सफल नहीं होता हूँ, अब इतना सारा है, इतना मैं सफल नहीं होता हूँ, तो फिर जाओ नहीं होना। नहीं, अच्छा है तो अच्छा हो जाता है। मेरे को यश नहीं मिलता, यश उसी का होता है जो यश के योग्य होता है, और यश के योग्य वही हो जाता है कि यश उसी काम तो करे लेकिन यश की इच्छा ना रखे। जो यश की इच्छा रखता है उसका यश क्यों होगा, वो तो आसक्त हो जाएगा यश में। तो भगवान की कृपा है, यश चाहते हो और नहीं मिलता है तो यश चाहते हो नहीं तो तुच्छता है। भगवान नहीं चाहते हो, यश चाहते हो आठ मास का, तो भगवान यश देके तुमको फंसाना नहीं चाहते, उनकी कृपा है। जिसको मान की चाह है वो मान के योग्य होता है क्या? नहीं, जिसको मान की चाह नहीं है वही मान के योग्य होता है, जिसको यश की चाह नहीं वही यश के योग्य है, जिसको सुख की चाह नहीं वही सुख के योग्य है। जो दूसरों को सुख देता है अपने सुख की चाह नहीं, वो सचमुच में सुख के योग्य हो जाता है। फिर भी शुक्र है अपने में इतनी योग्यता नहीं जितना उस दाता ने दिया है, और हमको जो लोग जितना अच्छा मानते हैं, मेरा भैया अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी है, हम उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने लोग हमको अच्छा मानते हैं। और हम जितना सारे बुरे होते हैं उतना बुरा हमें लोग नहीं मानते, ये भगवान की सुंदर व्यवस्था है।
लेकिन गलती ये है कि हम अपने को अच्छा ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप अच्छे से जुड़ा है, इसलिए कितने भी बद्दे हों फिर भी अच्छा ही जानते हैं। हमें कोई अच्छा कहता है तो अच्छा लगता है, बुरा कहता है तो अच्छा नहीं लगता। वास्तव में बुराई हमारी नहीं है, बुराई अष्टधा प्रकृति की है, स्थूल शरीर मन बुद्धि और अहंकार की। कर्म करे लेकिन ईश्वर प्रीति के लिए करे, उसके कर्म योग बन जाता है। भक्ति करे लेकिन अच्छा कहलाने के लिए अथवा कुछ पाने के लिए नहीं, भगवान की प्रीति के लिए, उसका भक्ति योग हो जाता है। ज्ञान सुने लेकिन वो ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए कथाकार ना बने, ज्ञान भगवत तत्व का पाकर अपने देह का अष्टधा प्रकृति का अहम बाधित कर दे। बाधित क्या होता है, जैसे रस्सी में सांप दिखा लेकिन बैटरी मारी तो सांप बाधित हो गया, रस्सी दिखी दूर से अभी भी सांप लगेगा लेकिन अपने दिमाग से बाधित हो गया, मूल वस्तु जान ली तो जो आरोपित था वो उसका बाध हो गया। ठूठे में चोर दिख रहा है, बैटरी मार के देखा तो चोर नहीं है, फिर दूर से देखा नहीं ये तो तपस्वी दिख रहा है गिरनार में, लेकिन देखा कि नहीं नहीं वो तो ठूठा था, अभी चोर की भावना थी फिर तपस्वी की भावना है, तो न तपस्वी है न चोर है, चोर भी बाधित हो गया तपस्वी भी बाधित हो गया, ठूठा का ज्ञान हो गया। ऐसे अष्टधा प्रकृति बाधित हो जाती है और उसको आधार परमात्मा मेरे आत्मा है ज्ञान हो गया। सरल भी बहुत है अगर तत्परता होता है, योग्यता सर्टिफिकेटों से योग्यता बहुत तुच्छ है। आपके अंदर जो भी कुछ है किसी के काम आ जाता है, चाहे झाड़ू लगाते हो किसी के काम आ जाता है, बर्तन मांजते हो, जो भी करते हो, दूसरों के दुख निवृत्ति करके शांति आनंद के तरफ कोई जाता है तो आपकी योग्यता का निखार होगा। अपनी जो भी योग्यता है परहित में लगा दो तो आपका कर्म योग हो जाएगा। जो भी भावना है भगवान के प्रति लगा दो तो भक्ति योग हो जाएगा। जो भी ज्ञान है वो ईश्वर के संबंध में लगा दो, ज्ञान योग हो जाएगा। चाहे अनपढ़ हो, चाहे एकदम गंवार हो, गडरिया हो, घेटे चराने वाले भी बड़े महापुरुष हो गए, हाली पांव हलचल आते गोरखनाथ ने कहा जो मन में आए मत करना, बस इतनी बात मान ली महापुरुष हो गया। 84 सिद्धों में हाली पांव का नाम आता है, महामूर्ख था, गुरु की आज्ञा मान ली, जो मन में आए वो मत करना। ये कथा पहले सुनाई हुई है कैसे थे, मन के दास मत बनो आओ ओ प्रभु जी, आओ ओ प्यारे जी, आओ ओ मेरे जी, ओम ओम गुरु जी, ओम ओम आनंद। ध्यान करके जोर मत मारो, बस प्यार में बहते जाओ। ये तपस्या नहीं है, ये सहज योग है, सहज भक्ति, सहज ध्यान, सहज ज्ञान है। ओम ओम आनंद ओम माधुर्य ओम सच्चिदानंद चैतन्य ओम ओम वासुदेव ओम ओम हंसी आएगी। अपना सच्चिदानंद सत्य है, चेतन है और आनंद है, उसका आनंद स्वभाव प्रकट हो जाएगा अभी अभी। श्री कृष्ण ने यशोदा के कान में कहा उमन ओम, यशोदा कहती है यशोदा कृष्ण अभी तुम्हारे साथ है। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है आध्यात्मिक अर्थ में। जो आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझते उनके लिए फिर ये पौराणिक कथा है, माँ यशोदा है बेटा कृष्ण है।
भगवान को यश देने से यश देने वाली बुद्धि के यहाँ भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए माँ यशोदा बनी, भगवान प्रकट होते हैं। अभी आप भगवान को यश देने वाली बुद्धि होती है तो अंदर भगवान प्रकट होते हैं। मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है और बुद्धि को जानने वाले अंतरात्मा चैतन्य का नाम कृष्ण है, जो सबको कर्षित आकर्षित आनंदित करता है। बुद्धि को भी आकर्षित करता है आत्मा, मन को भी आकर्षित करता है। जहाँ आनंद आता है वहाँ खींच के चले जाते हो, इसलिए वो आत्मा का नाम कृष्ण भी है। श्री कृष्ण का अवतार हुआ तब से लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसी बात नहीं। वेदों में पहले से ही कृष्ण शब्द की महिमा है। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, आह्लादित कर दे, वो चैतन्य परमात्मा का नाम कृष्ण है। ऐसे ही राम जी के अवतार के बाद लोग राम की भक्ति करते, ऐसी बात नहीं है। राम के पिता, दादा, दादा के दादा, परदादा के परदादा, राजा रघु राजा, राम राम जपते वेदों में राम नाम की महिमा राम जी के पहले है। जैसे अपने बेटे का नाम कोई राम जी रख दे, राम रख दे, ऐसे ही दशरथ ने नाम रख दिया। रमनते योगी यस्मिन् स राम, जिसमें योगी लोग रमण करते वो अंतरात्मा परमेश्वर का नाम राम है। राम राम, हजार हजार नाम है भगवान के। आनंद आने लगेगा। भगवान प्रसन्न है, भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हमारे हृदय में अपनी प्रसन्नता आ जा रही है। भगवान हमारे आत्मा है, हमसे दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराए नहीं। मंदिरों में जाना सफल हो गया जब हृदय मंदिर में ले जाने वाला सतगुरु मिल गया, बस हो गया काम। मैं पहले मंदिरों में जाता था, मंदिर में जाए बिना पूजे किए बिना नाश्ता नहीं करता था, दूध नहीं पीता था। अपने हिस्से के दूध में से थोड़ा दूध शिव जी को चढ़ाते। अब पता चला कि शिव तो मुझसे दूर नहीं, मेरे आत्मा का नाम ही तो शिव है। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। आत्मज्ञान हो जाए तो आपका शरीर शिवालय चिन्मय हो जाता है। ज्ञानी की नजर से जो तन्मात्राएं बरसती है, ज्ञानी को छूकर जो हवाएं जाती है, ज्ञानी की वाणी से जो फायदा होता है, वो 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले रावण को जो चीज नहीं मिली, वो चीज मतंग ऋषि ज्ञानी थे उनके चरणों में शबरी को मिल गया। रहीदास ज्ञानी संत थे मीरा को मिल गया। जो कल नहीं आए थे वो भी दंग रहते होंगे कि इतना आनंद है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागी शराब, सुबह सत्यानाश करके उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। एक खुशखबरी है कि बंबई से लेकर दिल्ली तक के रूट में बहुत सत्संग हुए होते हैं, शिविरें भी हो जाती हैं हरिद्वार आदि में, लेकिन बेचारे
उड़ीसा वाले, बिहार वाले सब इधर आते हैं। अब मैंने आज हाँ बोल दी है, राय ना राय है, बड़ा फक्र लगता था, दुनिया लुंडी क्या जाने, चटांग भरा फिल्म पी के अपने को बड़ा मानना, 10 सुल्फी लगा देता हूँ मैं बड़ा हूँ, इसका नाम योग थोड़ी है। लगे दम मिटे गम, दम मार के इंद्रियों को विषय विकारों से बचाकर भगवान में लगाना है तो लगे दम मिटे गम, लेकिन सुल्फा को दम लगाओ गम मिटे गम तो बढ़ जाएंगे। तो ये राम भाई दुनिया लुंडी और वाणी भाई और उनके और बच्चों ने मिलकर जैसे ऋषि प्रसाद चलाया है, घर घर पहुंचता है, ऐसे ऋषि दर्शन मासिक वीडियो सीडी घर बैठे पहुंचे, उसकी मेंबरशिप चालू कर दी। तो मेरी वाटिका में आंवले खूब थे, मैं क्या तोड़ो और उनको दो, तो इन कंजूसों ने आधा आधा किलो दिया, एक एक किलो देने को बोला था। अभी आंवले बचे हुए हैं, जो भी मेंबर बनेगा उसको आधा आधा किलो नहीं देना, किलो किलो देना। सीडी के मेंबर बनोगे तो 1 किलो आंवले की चटनी और 1 किलो आंवले का मुरब्बा, 1 किलो खांड लगेगी बस, और थोड़ा सा छोंक मोंक। मैंने आंवले की चटनी खाई थी आज। माधुरी है, शांति है, अच्छा लगता है ना। सीधा अंतर्यामी परमेश्वर के साथ सीधा संबंध है, ये है हमारा। हकीकत में ईश्वर के साथ ही सबका सीधा संबंध है, बाकी का सीधा संबंध मन बुद्धि से कल्पना है। जीव का ईश्वर के साथ सीधा संबंध है, संसार के साथ सीधा संबंध नहीं है, काल्पनिक है। सच्चा संबंध जीवात्मा परमात्मा का ही है। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे
मो 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 बाहर से ना भी बोलोगे तो चलेगा, भीतर से होने दो।
शांति विश्रांति योग। श्रम के बाद विश्राम, परमात्मा में विश्राम। जो श्रम नहीं करता उसे विश्राम नहीं मिलता। संसारी श्रम